महाराष्ट्र में कपास की खेती करने वाले किसानों की समस्याएं खत्म होते नहीं दिख रही। पहले बारिश से फसलों को बड़े पैमाने पर नुकसान हुआ और अब वहीं बारिश से किसानों की बची हुई कपास की फसलों पर भी कीटों का हमला बढ़ गया है। वर्धा जिले के सेलू तालुका में कुछ स्थानों पर कपास की फसलों पर गुलाबी सुंडी कीट का प्रकोप तेजी से बढ़ा है। इससे उत्पादन में कमी आने की संभावना जताई गई है। जलाना जिले के रहने वाले किसानों का कहना है कि इस साल खरीफ में कपास की खेती करने वाले किसानों को कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा है। बारिश में तैयार कपास की फसल नष्ट हुई और बची हुई उपज पर कीटों का खतरा बढ़ रहा है। वहीं दूसरी ओर बाजारों में कपास का कम भाव देखने को मिला है। ऐसे में किसान डबल नुकसान झेल रहे हैं। आपको बता दें कि कपास की फसल पर गुलाबी रोग के हमले से कपास के पौधे की पत्तियां झड़ रही हैं। भारी बारिश से बेहाल किसान अब इस फसलों पर बढ़ रहे बीमारी के प्रकोप से परेशान हैं। 2 महीनों में हुई भारी बारिश से किसानों की सोयाबीन, कपास और तूरी को भारी नुकसान पहुंचा है। कुछ जगहों पर किसानों ने बहुत सावधानी बरती और कपास के पौधों को बचा लिया था, लेकिन बाजार का अत्याचार और फसलों पर कीटों के प्रकोप बढ़ने से किसानों की आर्थिक स्थिति कमजोर हो रही है। वहीं फसलों पर महंगी दवाइयों का छिड़काव कर किसान अपनी फसलों को बचाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। दूसरी ओर बाजारों में किसानों को कपास का भाव बेहद कम दाम मिल रहा है, जिसमें वो अपनी लागत तक नहीं निकाल पा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी।